Good morning, all students. आगे का चैप्टर देखिए. आर्कियोलॉजी हैज सेंस सब्सटेंटली इन द एंटरिंग द कैप्स फॉक्सिंग लेस ऑन डेजर्ट एंड मोर ऑन fascinating details of life and intriguing mystery of death. और जो तट के शरीर की खोज भी चल रही थी और तट के साथ जो खजाना दफनाया जाता था, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने उस खजाने पर फॉक्स या नजर कम डाली, लेकिन सबसे गहन जो रहस्य उनके सामने था वो था टट की मौत और टट की मौत के रहस्य का खुलासा करना. इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी और टट की खोज टट की शरीर की खोज करने के लिए इसमें महत्वपूर्ण टूल्स काम में लिए गए और खास करके मेडिकल टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि टट का मौत का कारण क्या है और टट की मृत्यु लमसम कब हुई थी और टट की उम्र क्या है. इन 1968 मोर देन 40 इयर्स कार्टर डिस्कवर कार्टर ने 40 साल से लगातार टट की इस खोज को जारी रखा. एंटोनी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी और एंटोनी डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर था, उसने टट के मृत शरीर के एक्सरे के लिए रिवील्ड स्टार्टिंग फैक्ट और भौतिक तत्वों का पता लगाया. बिनी द राइन ऑफ द कैच विद चेस्ट इज बेस्ट बॉन एंड फ्रंट रेल्स आर मिसिंग और उसने पाया कि टट का जो शरीर था उसके साइड में जो पसलियां थी वो गायब थी और उसका सीना है वो लगभग खत्म हो चुका. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी और डायग्नोस्टिक सिस्टम के द्वारा टट के शरीर की टोमोग्राफी बनाई गई, सीटी स्कैन बनाए गए, विथ हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शंस और सैकड़ों प्रकार के एक्सरे लिए गए. Put together like slices of dead three dimensional surgical body और शरीर को तीन प्रकार से अच्छी तरह से खोला गया. When more body CT scan level of cut than the X-ray की बजाय CT scan टट के शरीर पर जो CT scan किया गया था उससे कुछ रहस्य फाइंड आउट किए गए. एंड गुड एंटर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लेटेड अबाउट हिम हाउ डिड ही डाई और सिटी स्कैन से जो बॉडी सिटी स्कैन की गई है उससे जो वैज्ञानिक थे उनके सामने दो बड़े सवाल हैं. हाउ डिड ही डाई, उसकी मृत्यु कैसे हुई एंड हाउ और वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ और जब उसकी मृत्यु हुई उस समय उसकी उम्र क्या है. टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट. टट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना है. इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन वह अपने परिवार की आखिरी पीढ़ी का था. एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ बैटल ऑफ ए डायनेस्टी बट पर्टिकुलर ऑफ हिज पैट्रिक हार्वे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर. लेकिन अभी भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों के सामने अनक्लियर हैं. अमन हॉट अमन हॉट थर्ड यह भी मिस्र का एक राजा था. टट्स फादर और ग्रैंडफादर ये टट्स के पिता भी हो सकते हैं और टट्स के ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं. वाज ए पावरफुल फैरो
वह एक बड़ा शक्तिशाली राजा था who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty of golden age. 18th dynasty में उस तट के पिता या दादा ने 4 दशक लगातार शासन किया था. His son Amenhotep succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. और प्राचीन इजिप्ट में इन फिरोज का राजनीति का बहुत बड़ा इतिहास रहा है. The new pharaoh promotes the worship of the Aten. और जो भी नया राजा अपने राजगद्दी ग्रहण करता था तो वह अपने एक देवता की पूजा करता था जिस देवता को एटेन के नाम से पुकारा जाता था. The Chandish chants his name to Akhenaten. और उस राजा का नाम बदल कर इन राजाओं ने अटेंडन रखा और सर्वेंट ऑफ द अटेंड या अटेंड द नौकर एंड मोव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू द थीम्स ऑफ द न्यू सिटी ऑफ अटेंडन. और उन्होंने एक राजधानी जिसका नया नाम रखा वह अपने देवता के ऊपर नाम रख दिया क्या अटेंडन. नौ अमरना कंट्री बाई अटैकिंग अमन और फिर अमन के द्वारा उसकी राजधानी या देश पर अटैक किया गया. ए मेजर बॉय यही एक मिस्र के राजाओं का मुख्य देवता था. स्विचिंग इमेज एंड क्लॉज टेम्पल्स इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम. ऐसा कहा जाता है कि मिस्र में यह एक बहुत ही खतरनाक समय रहा होगा. सैडलर जॉनसन रे जॉनसन कहते हैं डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. शिकागो में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे एंड रिचर्ड सेंटर इन लंडन जो लेक्चर के रिसर्च सेंटर में अपॉइंटेड थे. द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स द फैमिली दैट हैड रूल्ड द सेंचुरी विच वाज कमिंग टू एन एंड जिस परिवार ने मिस्र में लगातार कई सदियों तक शासन किया था उस परिवार का उनकी पीढ़ियों का अंत हो गया. एंड अटेंडन वेंट ए लीगल मीटिंग और अटेंडन आखिर में कमजोर पड़ गया. आफ्टर अटेंडेंस डेथ अटेंडन की मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम स्मेट कर एपियर. अटेंडन की मृत्यु के बाद एक दूसरा शासक और है जिसका नाम है स्मैन. स्मैन कर एपियर ब्रीफली थोड़े समय के लिए राजगद्दी संभाली एंड एक्सीडेंट विद अ हार्ट अटैक क्रैश और कुछ ही समय में उनका भी विनाश हो गया. एंड देन वेरी यंग तुतनखामन टुक द थ्रोन और उसके बाद एक युवा लड़का जिसका नाम था तुतनखामेन टुक द थ्रोन उसने राजगद्दी ग्रहण की. किंग टट एज ही वाइडली नोन टुडे आज तुतनखामन को टट के नाम से जाना जाता है. द बॉडी गेम फ्रॉम स्टैंड इन नेम ऑफ तुतनखामन और टट ने अपना नाम और बदला और ये नाम था तुतान खामन. लिविंग एयर ऑफ अमुन द अमुन देवता की मूर्ति के समान था एंड ऑल्सो ए रेस्टोरेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ. ही रिजाइन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली और ऐसा माना जाता है कि उसने 9 साल शासन करने के बाद रिजाइन किया. लैंड टैक्स अप्लाई भी और से पूर्ण पुष्टि मौत भी. रिगार्डलेस ऑफ इट्स फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट दैट दैट इज वन मम्मी ऑफ मैन इन इजिप्ट. इजिप्ट के अंदर जो मम्मीज बनी हुई थी जिन राजा महाराजाओं को दफनाया गया उसके ऊपर मम्मी बनाई गई थी उन्हीं मम्मियों में से एक मम्मी कट की गई थी. हाउ मनी कितनी मम्मी थी इसका पता नहीं है. नो वन नोज इसको नहीं पता है. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विद बिगन एन इन्वेंट्री इन लैक 2003 और इन मम्मीज का खोज चीन सबसे पहले 2003 में शुरू हुई. हैज रिकॉर्डेड अराउंड 600 ट्रॉफी एंड इज स्टिल काउंटिंग और तो ये पता लगाया गया
कि लगभग 600 मंपीज़ थी और हाथ में लगातार उनको गिना जा रहा है। The next pair scanning the mummies with a forehead sitting machine और sitting machine से इन mummies का CT scan किया गया and donated by the National Geographic Society and Simons. It manufacturer in fact is one of the first mummies to be scanned. जितने भी मम्मियां हैं उनके सबसे पहले जिस राजा ने CT scan की गई वह पहला राजा था। In death, every life mummy regarded ahead of his countryman. A CT machine scanned the mummy head to toe. CT scan machine ने तट के शरीर की चोटी से लेकर एड़ी तक स्कैन किया, creating one digital X-ray. 1,700 digital X-ray बनाए गए and cross-section cuts ahead. तट के शरीर की स्कैन की गई scanned in 0.6 millimeter slice to reset its intricate structure. और यहाँ तक कि बारीकी से बारीकी CT scan भी की गई जिसमें सबसे छोटी CT scan है वो 0.62 millimeter slice की। टैक्स ऑन ईवी डिटेल इन द लाइफस्टाइल पिलर्स और उसके शरीर की बारीकी से डिटेल ली गई। That's the entire body is literally recorded. इस प्रकार से तंत्र पूरे शरीर का रिकॉर्ड बनाया गया। And it works as this in a radiology, forensic and anatomy. Anatomy के स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट और फॉरेंसिक के स्पेशलिस्ट, इन तीनों विषयों के स्पेशलिस्ट तक के जरिए भी कॉल कर रहे हैं and probe the secrets where the brains to bodies of a gentle beauty designed protected for a strong bomb. The night of the scan, workman character from the tomb. उस रात को तट के ताबूत से तट के शरीर को बाहर निकाला गया एंड इन हिज बॉक्स और शरीर को एक बॉक्स में रखा गया। लाइक पैरेडियस दे क्लिम्ड अ रैंप एंड क्लाइंब ऑफ द स्टेयर्स इनटू द स्विंगिंग सन आउटसाइड और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए तट के शरीर को लाया गया। द रॉच ऑन हाइटेड लाइफ इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। 20 मिनट्स लेटर टू मैन अमर्स 20 मिनट के बाद दो लोग और आते हैं स्ट्रेटेड फॉर एन ऑफिशियल नियर बाय एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ फाइव प्लास्टिक हैंड्स और दो प्लास्टिक के हैंड्स को लेकर जाते हैं। द मिलियन डॉलर स्कैनर्स हैव क्वाइट बिकम ऑफ द सैंड इन अ पूल ऑफ मैन अ कर्स ऑफ द फैरो चॉक में ए गार्ड नियर स्लीप फिरो को शुरू का पूरा हो जिन्होंने इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। इवेंचुअली दिस सब्स्टिट्यूट फंड्स वार वेल एंड फिनिश देयर प्रोसीजर और जो फंड लाए गए थे ये फंड्स हैं वो अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं इसलिए हमने इस प्रोसीजर को पूरा किया। आपको चाहिए दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट और फिर हमने आखिर में चेक किया कि तट के शरीर से कोई भी डाटा बकाया नहीं रहा है। द टेक्निशियन स्टैंड रन ओवर टू द वॉकमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम पूरी सर्चिंग करने के बाद जो डॉक्टर्स लोग थे उन्होंने शरीर को नौकर को सौंप दिया और नौकर लोग उस शरीर को ले जाकर वापस उसी मम्मी में रख देते हैं। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, लगभग 3 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद में तट को उसके स्थान से हटाया गया। The pharaoh again rested in peace. Where the funerary priest had led him so long ago. फिरो के शरीर की जांच पड़ताल करने के बाद उसी जगह पर वापस रख दिया जहां पर प्राचीन काल में फिरो के शरीर को रखा गया था। Back in the cellular technician pulled up a solution image to Tut on a computer screen or computer screen पर Tut के शरीर को देखा गया। A grey hat took shape from scattering of pixels and the technician shown title in every direction or portrait हर तरह से Tut के शरीर को
जांचा पड़ता है never get appeared as clear as in the endometrium the other image is given and several views of the details and the transactions of the school but for now that Professor was off sitting back in his chair Zai Haas smiled Zai Haas तक के शरीर की जांच पड़ताल करने के बाद अपनी चेयर पर बैठते हैं लेकिन दे रिलीव्ड दैट नथिंग हैड बीन डन टू हिज रॉन्ग और जाहिर हवास महसूस करते हैं कि हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई हमने तक के शरीर की जांच पड़ताल सही तरीके से की है आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट पिछली रात घर में बिल्कुल नहीं सो पाया नॉट फॉर अ सेकंड एक सेकंड के लिए भी मैं सो नहीं पाया इस शहर जाहिर हवास ने कहा आई वाज सो वरीड मैं ट्रक के शरीर की खोजबीन के बारे में बड़ा चिंतित था बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप अब मैं सोचता हूँ मुझे जाना चाहिए और सो जाना चाहिए By the time we left the cellar, हम अपने कॉलेज के स्थान पर छोड़कर चले. Something metal stairs to the standing down. He went and stopped. और वहाँ पर जो थे हवा चलने की रुके थे. The wind and record. और हवा ठंडी हो गई. And the wind और हवा सर्द की ठंडी हवा चल रही थी. Like that, the cellar in the valley of the departed, just above the entrance of that strong school. Oriole. The constellations that the ancient Egyptians knew as the song of voices, the god of the upper life, watching over the boy king. और वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि इस बच्चे की देख रेख करने के लिए एक ओशीरिस नाम का देवता था जो अपर लाइफ आदमी की मदद करता है Thank you.